से चेक करोगे? बताओ भाई, व्हाट इज अपर मोटर व्हाट इज लोअर मोटर, मतलब उसका क्या रिलेवेंस है, कहाँ यूज कर रहे हैं हम? तो जो मेरे एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर है सब कुछ, एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वो मेरा अपर मोटर है, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न सेल और उसके नीचे जो है वो मेरा लोअर मोटर। जैसे हमने फेशियल नर्व के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था कि अगर मैंने अपर मोटर लोअर मोटर आइडेंटिफाई कर लिया है तो प्रॉब्ली आई डोंट नीड एमआरआई ब्रेन ऑफ माय पेशेंट, आई जस्ट नीड ईएनटी एग्जामिनेशन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। सेम वेज अगर आप मोटर पाथवे को ट्रैक करो कि अगर मैं ये उंगली ऐसे चला पा रहा हूँ तो ये मेरे को ये मैं कैसे चला पा रहा हूँ, मतलब कहाँ से स्टिमुलस शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, कोई मोटर पाथवे बता सकता है कि कैसे जा रहा है ब्रॉडली? कि मैंने अगर ये अपना थंब ऐसे किया, ठीक है, तो ये थंब मेरा ऐसे मूव में कर पा रहा हूँ, तो ये क्या पाथवे है, कहाँ से स्टिमुलस आया, कहाँ गया, कैसे हुआ? ओके, तो बेसिकली स्टिमुलस विल स्टार्ट फ्रॉम माय मोटर कॉर्टेक्स, ब्रेन मान लो उसे पूरा एक, मोटर कॉर्टेक्स से नीचे गया आपका सब कॉर्टिकल एरिया में, इंटरनल कैप्सुल बेसल गैंग्लिया से क्रॉस कर करके, फिर वो पीछे की तरफ आया ब्रेन स्टेम के अंदर, पॉन्स मेडुला में से क्रॉस किया, फिर वहां से वो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जो आपका मोटर ट्रैक जा रहा है। कि अगर मेरे को एक दिमाग में थॉट आया, मेरे सेंसरी ने बोला कि मुझे ये थंब ऐसे करना है, थंब हिलाना है, ठीक है, तो वो सेंसरी मेरे मोटर को जाके बोलेगा कि अच्छा आप जाके ना ये थंब को ऐसे करवा दो, तो ब्रेन से वो स्टिमुलस स्टार्ट हुआ, मोटर ट्रैक को पता चला कि थंब को ऐसे हिलाना है, तो वहां से वो गया मोटर ट्रैक ब्रेन को पूरा कर करा के वो स्पाइनल कॉर्ड में घुस गया, पिरामिडल ट्रैक, ठीक है। पिरामिडल ट्रैक से वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी गया, और थंब को अगर हाथ को हिलाना है तो वो सर्वाइकल में से नर्व निकल के जाता है, तो वहां से वो एंटीरियर हॉर्न सेल के थ्रू बाहर आ गया पिरामिडल ट्रैक स्टिमुलस। एंटीरियर हॉर्न सेल के बाद वो जाएगा नर्व में, जो नर्व है मेरी पेरिफेरल नर्व जो इस मोटर जो इस थंब को हिलाएगी, मोटर नर्व से वो स्टिमुलस जाएगा एनएम जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और वहां से वो जाएगा इस थंब की मसल में, और फिर वो मसल करेगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इट्स सच अ सिंपल थिंग, थंब हिलाना है, लेकिन ट्रैक ऊपर से ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर हॉर्न सेल, देन नर्व, नर्व का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद मसल, तो बेसिकली 6 लेवल हो गए बेसिकली, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटीरियर हॉर्न सेल, नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मसल, 6 लेवल हो गए। अब अगर मेरा पेशेंट आया सपोज क्वाड्रीपेरिसिस का, ठीक है, या हेमीपेरिसिस का या पैरापेरिसिस का, ठीक है, चलो क्वाड्रीपेरिसिस का पेशेंट आया, हाथ पैर चारों बंद हो गए उसके चलने, अब मुझे सोचना है कि यार ये बेसिकली ब्रेन से भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी हो सकता है, इंटीरियर हॉर्न सेल से भी हो सकता है, नर्व से भी, एनएम जंक्शन से भी, मसल से भी, तो मैं उसका क्या टेस्ट करूँ? ब्रेन के लिए मुझे एमआरआई ब्रेन करना होगा, स्पाइनल कॉर्ड के लिए एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड करना होगा, ठीक है, देन इसके न्यूरोपैथी के लिए मुझे एनसीवी करना होगा, एनएम जंक्शन के लिए मुझे ईएमजी करना होगा, ठीक है, और मायोपैथी के लिए मुझे अगेन ईएमजी करना होगा, तो मैं उसके इतने सारे बैटरी ऑफ टेस्ट में एमआरआई ब्रेन एडवाइस करूँ, स्पाइनल कॉर्ड एडवाइस करूँ, या मैं एनसीवी एडवाइस करूँ, या मैं ईएमजी एडवाइस करूँ, मैं क्या एडवाइस करूँ उसके? पेशेंट का कॉस्ट सोचो आप कितना मैंने बढ़ा दिया, 4 टेस्ट उसको ऑर्डर कर दिया, बट यहाँ पर मैं अपना क्लिनिकल स्किल लाऊंगा, सबसे पहले मैं उसको ये देखूंगा कि इसका जो ये वीकनेस है, उसको बेसिकली जो क्वाड्रीपेरिसिस हुआ हुआ है, ये अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन, कि सपोज उसकी टोन फ्लैसिड है हाथ पैर की, सपोज उसके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, सपोज उसका आपका प्लांटर डाउन है, ये हमारा सारा अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन को डिफ्रेंशिएट करता है, तो मुझे पता है कि दिस इज नॉट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एमआरआई ब्रेन, एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड इज आउट ऑफ फैसिलिटेशन लिस्ट, पेशेंट का 50% कॉस्ट कम हो गया, अब मुझे सिर्फ देखना है कि उसका एनसीवी और ईएमजी, फिर मैंने न्यूरोपैथी वर्सेस मायोपैथी में जैसे हम बात कर रहे थे, प्रॉक्सिमल इज मायोपैथी, डिस्टल इज न्यूरोपैथी, कि मैंने देखा कि उसका डिस्टल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, उसको सेंसरी सिम्टम साथ में है, मायोपैथी में सेंसरी क्यों होगा, इट्स अ मसल डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ नर्व डिसऑर्डर, अगर उसको सेंसरी लॉस भी हुआ हुआ है पैरों में, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा तो सिर्फ एनसीवी करा, यू विल गेट अ डायग्नोसिस, 4 इन्वेस्टिगेशन की जगह 1 इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर आपका अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, राइट, बल्क हो गया, टू गया।